वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये जो है क्लास टेंथ, ठीक है, क्लास टेंथ का हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है बच्चों, वो चल रहा है और उसके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पिछली वीडियो में जो इससे पहले के टॉपिक थे उसको क्लियर कर चुके हैं हम लोग। अब आज का जो टॉपिक है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830-1848, यानी कि हम आज जो पढ़ेंगे क्रांतियों का युग पढ़ेंगे, जो 1830 से स्टार्ट होकर जो 1848 तक के बीच की घटनाओं को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इसको। एज कंजर्वेटिव रिजाइंस ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट, द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन अम्पायर। अच्छा देखिए, जब अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ओटोमन अम्पायर के बारे में भी कुछ बातें जानेंगे। साथ में है आयरलैंड एंड पोलैंड। कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ कि जो जैसे जैसे है ना रूढ़िवादी व्यवस्था, आपको पिछले चैप्टर में जो पिछली वीडियोस बनी थी उसमें रेडिकल्स के बारे में, कंजर्वेटिव्स के बारे में और लिबरल्स के बारे में बताया जा चुका है। तो यहां बात की जा रही है किसके बारे में, कंजर्वेटिव्स के बारे में, ठीक है। तो कह रहे कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने, ठीक है, अपनी ताकत को क्या किया और मजबूत बनाने की कोशिश की, है ना, ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर, ठीक है। कह रहा है कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म यानी कि उदारवाद और राष्ट्रवाद केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशन। तो कह रहा है कि जैसे यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा, ठीक है। ये इतिहास गवाह है, बीता हुआ समय गवाह है कि आप लोगों पर तब तक सही तरीके से शासन नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको शासन करने का तरीका न पता हो। अगर कोई भी कितना भी बड़ा शक्तिशाली कोई शासक क्यों ना हो, अगर वहां उस आबादी में रहने वाली जो जनता है अगर वो उसका शोषण करने लगा, तो जनता आने वाले समय में आज नहीं तो कल विरोध करेगी ही करेगी। उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा या ऐसे व्यक्तियों का समूह जरूर खड़ा होगा जो उनका विरोध करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अनेक क्षेत्र थे यूरोप के जहां उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। अब बात कर रहे हैं कहां पर, देखिए इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, ठीक है, यूरोप के, जैसे द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन अम्पायर। ओटोमन अम्पायर जो था उसके क्षेत्र, उसके अंदर आने वाले क्षेत्र, आयरलैंड के क्षेत्र, पोलैंड के क्षेत्र, वहां विरोध की जो ज्वाला थी, लिबरलिज्म की जो ज्वाला थी, नेशनलिज्म की जो ज्वाला थी, वो धीरे धीरे उठना शुरू हो गई थी। दिग रिवोल्यूशनरीज वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। अब देखिए यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोप के इटालियन जर्मन स्टेट्स में, है ना, वहां पर जो रिवोल्यूशन उठ रहा था तो उसको लेड कौन कर रहा था, उसको नेतृत्व कौन कर रहा था, लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक है, बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड, ठीक है, शिक्षित। देखिए समाज से बुराई को खत्म करना है, अगर खत्म करना चाहते तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है ना। एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट एमोंग होम वर प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। देखिए आवाज कौन उठाएगा, जिसका शोषण हो रहा हो वो आवाज को उठाएगा, विरोध करेगा, और उसके पास शिक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है। अब जानकारी है नहीं किसी चीज का और विरोध करना शुरू कर दें तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इतिहास इसी वजह से पढ़ते हैं हम लोग, और पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, कि किस तरह की समस्याएं हैं उनसे कैसे निजात पाया जाएगा, है ना। देखिए कह रहा है कि द फर्स्ट अपहीबल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। कह रहा है कि फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह हुआ वो 1830 के जुलाई में हुआ। द बर्बन किंग, जैसे और सारे जो डायनेस्टीज हैं उसी तरह से एक बर्बन किंग थे, हु हैड बीन रीस्टोर्ड। रीस्टोर्ड का मतलब अपनी शक्ति को पुनः स्थापित किया,
टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। आपको पता है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1815 के दौरान जो नेपोलियन साहब थे वाटरलू के युद्ध में हार गए थे, ठीक है। उसके बाद जो कंजर्वेटिव लोग थे वो लोग फिर से मोनार्कियल सिस्टम में, यानी कि प्री रिवोल्यूशनरीज डे, यानी कि पहले वाला समय फिर से लाना चाहते थे। लेकिन याद रखिएगा कि वो जो नेपोलियन साहब ने जो बदलाव लाए थे उन बदलावों के साथ इन चीजों को अपनाना चाहते थे, ठीक है। तो इन लोगों ने, ये कंजर्वेटिव लोगों ने फिर से राजतंत्र को जन्म देने का कोशिश किया 1815 के दौरान। कह रहा है वर नाउ ओवर थ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज। तो ये जो 1815 में राजतंत्र को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था, 1830 के दौरान इन राजतंत्रों को लिबरल रिवोल्यूशनरीज के द्वारा उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाने लगी। हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप। याद रखें यही लिबरल रिवोल्यूशनरीज लोगों ने राजतंत्र के जगह पर संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया। यहां भी आप लोगों के लिए एक नंबर का जो आंसर है, एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वन मार्क्स, उस वैसे प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और किसके साथ किया? लुइस फिलिप के साथ, एज एट इट्स हेड। देखिए अब यहां का जो है ये वाला स्टेटमेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वेन फ्रांस सिनिजेज मेटरनिक वंस रिमार्क। एक बार मेटरनिक अपने शब्दों में कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। तो कह रहे हैं कि जब फ्रांस छींकेगा ना तो पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाएगी। मतलब क्या है यहां, ये नहीं हो रहा है कि फ्रांस को सर्दी जुकाम हो जाएगा, कहने का मतलब है बच्चों कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ये जो क्षेत्र है, ठीक है, मानकर चलिए ये अलग अलग क्षेत्र है, तो ये इतना प्रभावशाली था उस समय फ्रांस कि अगर फ्रांस में कोई घटना घटती है बच्चों तो आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन पर ये प्रभाव पड़ेगा, ये बात कहना चाहते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रांस को सर्दी जुकाम हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये बात किसने कही थी? तो मेटरनिक साहब ने कही थी, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। आते हैं, द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। देखिए कह रहा है कि ये जो है जुलाई की जो क्रांति थी, ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। कौन अलग हो गया? बेल्जियम अलग हो गया। किससे अलग हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसको पहले ना कभी इसको उसमें मिलाया गया होगा, ठीक है। देखिए हर राज्य जो है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो अपने आप को आजाद रखने का उसके पास ये स्वतंत्रता होती है, समझ गए। कोई भी उसको गुलाम बनाने का कोई नियम नहीं है, कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता है, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें थी। अब देखिए वो क्यों नहीं रह पाए, अब मानकर चलिए कि कोई मेरा दोस्त है जिसको मैं अपने साथ रख रहा हूं, ठीक है, अगर इसको मेरे से कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है तो मेरे से ये दूर नहीं जाएगा। तो भैया कॉलोनाइज कर रहे हो, किसी देश के ऊपर कब्जा कर रहे हो, तो वहां की जनता के साथ, उस जनता का जो एजुकेशन है, उस जनता का जो कल्चर है, उस जनता की जो ट्रेडिशन है, उस जनता का जो रिचुअल्स है, उसके साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो आज नहीं तो कल वो जनता उस चीज का विरोध करती है। ये बात सत्य है और ये आने वाले समय में भी होगा अगर ऐसा कोई देश किसी दूसरे देश पर करता है तो, ठीक है। ऐसे तो हर देश को, हर राष्ट्र को, हर कंट्री को अमन चैन से रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए ये जो पॉइंट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसको देखना है, इसको समझना है, ठीक है। हम यहां पर थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या। देखिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीक हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अच्छा ऑटोमन एम्पायर है क्या? ग्रीक कहां था, ठीक है, आखिर ये जो ग्रीक है इसको ऑटोमन एम्पायर क्या किया था, क्यों ये इंडिपेंडेंस चाहता था, है ना। इस तरह के क्वेश्चन मन में बनेंगे, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगेन इन 1821। कहा जाता है
कि ग्रीक जो यूनानी है वहां पर स्वतंत्रता का जो लड़ाई लड़ी गई वो 1821 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आखिर ये ओटोमन अंपायर क्या कर रहे थे यहां की जनता के साथ? तो सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए हम आते हैं कुछ पिक्चर्स को ध्यान में देखेंगे। ठीक है, तो कुछ पिक्चर्स को देखना है तो कुछ पिक्चर्स को हम लोग पहले देख लेते हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे हो बच्चों अपने स्क्रीन पर, ये बेजेंटाइन अंपायर देख रहे हो, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेजेंटाइन अंपायर है। यहां पर देख रहे हो सल्तनत ऑफ रूम लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो एरिया है बच्चों कॉन्स्टेंटिनोपल है। ठीक है बेटा, ये देखो ब्लैक सी है और ये है मेडिटेरेनियन सी। समझ में आ रहा है? पिक्चर पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आगे बात समझ में। ये जो बेजेंटाइन अंपायर है बेटा, ठीक है, ये रोम का देखो ये रूम है, रूम और रोम में अंतर है बेटा। ठीक है, रूम है ये और रोम में अंतर होता है। ठीक है, ये याद रखना। देखो सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, रोम और रूम में क्या अंतर है। ठीक है, यहां जो चीजें हैं आप देखिए, थोड़ा सा पिक्चर को और छोटा कर ले, समझने में आसानी होगी। देखिए बेटा, ये जो आप देख रहे हो बेजेंटाइन अंपायर, तो ये जो पार्ट था बेजेंटाइन अंपायर, ये ईस्टर्न रोम का पार्ट है। कहां का पार्ट है बेटा? ईस्टर्न रोम का पार्ट है। ठीक है, तो रोम क्योंकि दो भागों में डिवाइड हो गया था। अब रोम के बारे में अगर चले तो देखो ये रोमन अंपायर है। ठीक है, ये रोमन अंपायर था। ठीक है, रोमन अंपायर, और एक साइड में याद रखिएगा मंगोल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इन चीजों को समझते चलेंगे। अब देखेंगे यहां पर मैं जो कह रहा था रोम के बारे में बेटा, देखो ये रोम पूरा एरिया एक था, फिर कुछ समय के बाद ऐसी घटना घटती है बेटा कि रोम दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर, एक बेटा ईस्टर्न रोमन एम्पायर। और ये ध्यान रखिए कि कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसको हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहा जाता है बेटा, और आज के समय में इसको इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री को देखिए समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना तो पड़ेगा ही। अब देखिए कैसे स्टार्ट होती है, और ये वाला जो एरिया जहां पर आप देख रहे हो, जहां मैं कर्सर को घुमा रहा हूं बेटा, यहीं पर ग्रीक है। ठीक है, यहीं पर ग्रीक है, समझ गए। और ये कॉन्स्टेंटिनोपोल है, और ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर का एरिया है, ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर है। तो होता क्या है, ठीक है, जो घटना घटती है, ये देखिए ये पहले का रोमन अंपायर है, और डिवाइड होने के बाद वेस्टर्न रोमन अंपायर ईस्टर्न रोमन अंपायर हो जाता है। ठीक है, अब समझिए हम देखते हैं यहां पर, ये छोटा सा पिक्चर है इसको देखेंगे। देखो बेटा यहां पर ईस्टर्न जो रोमन अंपायर है वहां पर एक एम्पायर स्थापित होती है जिसको वेजेंटाइन एम्पायर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजेंटाइन एम्पायर कहते हैं। और ये देखो इनकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है बेटा, ये ब्लैक सी, ये मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, और सल्तनत ऑफ रूम भी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी के तरफ जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो देखो, हालांकि ये जो कहानी है इसको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, समझिए। ये जो ओटोमन अंपायर था, ठीक है, ये जो ओटोमन अंपायर थे, ठीक है, ओटोमन अंपायर थे, ये एक मुस्लिम साम्राज्य का शासन था। ठीक है, और ये ग्रीक जो एरिया था बहुल ईसाई राष्ट्र था। ठीक है, अब एक ईसाई राष्ट्र के द्वारा मुस्लिम साम्राज्य के शासन को खत्म करने की कहानी है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ओटोमन अंपायर जो था बेटा वो इस्लामिक रन पावर था। अब देखिए कहानी स्टार्ट होती है कि 1300 एडी में, 1300 एडी के दौरान, ठीक है, कहानी समझते चलिएगा कि ईस्टर्न रोम, मैंने बताया ना कि रोम जो था वेस्टर्न रोम और ईस्टर्न रोम में डिवाइड हो गया था बेटा। ईस्टर्न रोम में ही आपका बेजेंटाइन, जो बाइजेंटाइन एम्पायर बना था, कौन सा एम्पायर बना था बेटा? बाइजेंटाइन एम्पायर बना था। ठीक है, ईस्टर्न रोम में। ठीक है बेटा, ये बात समझिए। ठीक, अब क्या होता है कि जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर के भी नाम से जाना जाता है, अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। क्यों डिक्लाइन होने लगा? क्योंकि ऑटोमन अंपायर इस पर क्या करने लगा? कब्जा करने लगा। अब देखो होता क्या है, ये देखिए बेजेंटाइन अंपायर के अंदर क्रिश्चियन लोगों की संख्या ज्यादा थी, ऑटोमन अंपायर जो था वो मुस्लिम डोमिनेटेड था। अब समझिए, रूम के जो अभी मैंने बताया था ना, एक पिक्चर में आपको बताया, सल्तनत ऑफ रूम के बारे में मैं आप लोगों को बताया था अभी कुछ समय पहले,
ठीक है बेटा, देखो यहां पर है ना सल्तनत ऑफ रूम, यहां पर देख रहे हो। अब चलो आते हैं अपनी बुक पर। ठीक है, सल्तनत ऑफ जो रूम था वहां के जो सेल्जुक किंगडम थे मंगोल बर्बाद कर दिया। अब मंगोल कहां है, मंगोल को भी देखो पिक्चर में, मंगोल देखो है ना यहां बगल में साइड में देख रहे हो, ये मंगोल है, ये नजदीक था तो इसने क्या कर दिया कि उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, बर्बाद कर दिया तो जो रूम सल्तनत था जो कि एशिया माइनर या एनाटोलिया का पार्ट है बेटा, वो आज जो कि जिसको टर्की के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो सेल्जुक एम्पायर बर्बाद होने लगा और वहां के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे ना वो आजाद होने लगे। ठीक है, जो वो जो प्रिंसिपैलिटीज जो थी, प्रिंसिपैलिटी जो थी डिवाइड हो गए और वहां के जो तुर्क लोग थे, ठीक है, तुर्क लोग जो थे वो क्या है कि उनके अंदर ना लड़ाई करके क्षेत्रों को जीतने की आदत थी। अच्छा देखिए, उनका कोई एक मालिक नहीं था, समझ गए, एक मालिक नहीं था लेकिन वो लोग मिलकर कोई काम करते थे। ठीक है, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा थी, बालक समझ में आ रहा है। पर ये किसी भी, मैं बता रहा हूं बार बार कि किसी सेंट्रल पावर से यूनाइटेड नहीं थे, मतलब कि इनका कोई मालिक नहीं था। इसी समूह में से एक लड़का था तुर्क में से, ठीक है, जो लोगों को, पूरे तुर्किस लोगों को यूनाइट करता है और एक एम्पायर का निर्माण करता है बेटा। ठीक है, एक एम्पायर का निर्माण करता है। अब तुम समझो कि ये जो एनाटोलिया का पार्ट है, इस एनाटोलिया के ज्यादातर पार्ट पे कौन रहते थे, तुर्क लोग रहते थे। ठीक है, वही एशिया माइनर का जो पार्ट है, और अपने आप को कहते क्या थे, गाजी कहते थे। ठीक है, अब गाजी का मतलब क्या होता है, वॉरियर ऑफ इस्लाम। ठीक है बेटा, वॉरियर ऑफ इस्लाम। थोड़ा हम लोग पीछे आ गए हैं क्योंकि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समझने के लिए ग्रीक कहां है, रोम कहां है, वेस्टर्न पार्ट क्या था, ईस्टर्न पार्ट क्या था, बेजेंटाइन एम्पायर क्या था, है ना, ओटोमन एम्पायर का जन्म कैसे हुआ, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, वॉरियर ऑफ इस्लाम कहे जाते थे। अब 13वीं शताब्दी में, 13th century में इन लोगों ने क्या किया कि बेजेंटाइन के सीमावर्ती एरिया पर, अब बेजेंटाइन जो एरिया था उसके सीमावर्ती, तो देखो ब्लू कलर का जो किनारे किनारे वाला एरिया है, क्योंकि यहां सल्तनत ऑफ रूम तो बर्बाद हो गया, यहां पर अब कौन है, तुर्किस लोग हैं, तो इन लोगों ने ये साइड साइड के एरिया को जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो अब बुक पे आते हैं। फिर क्या करता है, आक्रमण शुरू कर दिया। अब तुर्किस लोगों में ही एक लड़का था जिसका नाम था बेटा ओस्मन। क्या नाम था, ओस्मन। ठीक है, जिसको लोग वेस्ट में आत्मन के नाम से भी कहते थे, आत्मन के नाम से पुकारते थे, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके फॉलोअर जो थे, ओस्मन के जो फॉलोअर थे उसको ओटोमन्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ओटोमन्स कहा जाता था। ठीक है, ऑटोमन्स कहा जाता था, और इसी के द्वारा जो एम्पायर को खड़ा किया गया बेटा, ऑटोमन्स, ऑटोमन एम्पायर कहा गया। ठीक है, तो ये पता चल गया कि किसने स्टार्ट किया, कैसे बेजेंटाइन एम्पायर पर इन लोगों ने आक्रमण किया, और यही एक व्यक्ति था जिसने एक छोटे से साम्राज्य से स्टार्ट किया और बाद में पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य को क्या कर लिया, बना लिया, पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य को क्या कर लिया, बना लेता है। ठीक है, अब ये जो थे ऑटोमन एम्पायर तो बन गया। अब देखिए बेजेंटाइन जो था, बेजेंटाइन के बारे में समझिए, थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं। बेजेंटाइन जो है, देखो पूछा जाएगा कि किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, तो याद रखिएगा बाइजेंटियम से। ठीक है, बाइजेंटाइन जो एम्पायर था वो कहां था, ईस्टर्न रोम में था। ठीक है, और इस पर आक्रमण कौन किया था, ओटोमन। अब बाइजेंटियम जो एम्पायर था इसी में ग्रीक था। ठीक है ना, अब ये एंशियंट ग्रीक या कॉलोनी थी, समझ गए, और ये जो स्थापित किया गया था बाइजेंटाइन जो एम्पायर था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाइजस, उसने इस एम्पायर को स्थापित किया था। ठीक है, और आपने पढ़ा अभी अभी कि एक तरफ था ब्लैक सी, ठीक है, एक तरफ थे मेडिटेरेनियन सी, और यहां पर कॉन्स्टेंटिनोपोल था बेटा। ठीक है, तो इन दोनों को बीच में एक स्ट्रेट जोड़ता था। ठीक है, स्ट्रेट जोड़ता था, उस स्ट्रेट का नाम था बोस्पोरस। क्या नाम था बेटा, बोस्पोरस। वो इतना जगह जो था, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपोल का जो एरिया था, वो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, है ना, कल्चरल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया था। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टेंटिनोपोल जो जगह है उसको किसने नाम दिया था, कैपिटल सिटी किसने बनाया था, तो उसका नाम था बेटा कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंटिनियन फर्स्ट, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनियन फर्स्ट, ठीक है। तो इन लोगों ने इस तरह से इसको स्थापित किया था। अब जो कहानी स्टार्ट हो गई कि अब ओटोमन जो अंपायर था एक छोटा सा अंपायर था, लेकिन धीरे 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 पूरे तरह से बेंजेंटाइन अंपायर को नष्ट कर देता है, और उसी में था ग्रीक। अब ग्रीक जो था पूरे यूरोप का, पूरे यूरोप का मैं बता रहा हूं, पूरे यूरोप के जो लोग थे उसको अपनी संस्कृति का पालना समझते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति तो थी ग्रीक से। अच्छा, ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड एम्पायर था, ये जो क्रिश्चियन लोग थे इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे, तो भैया कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। तो वही 1821 में इन लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल छेड़ दिया। नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। अब जो ग्रीक में रहने वाले थे और ऑटोमन एम्पायर का विरोध करते थे उनको एग्जाइल दे दिया जाता था, देश से निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो जब ग्रीक के अंदर नेशनलिज्म की भावना फैलने लगी, रिवोल्यूशन होने लगा, तो ये लोग भी बाहर से अंदर आए और ग्रीक के नेशनलिज्म रिवोल्यूशन को सपोर्ट करने लगे बहुत सारे। देखो, वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, बहुत सारे जो पश्चिमी यूरोपियन देश थे वो लोग भी हेल्प करने लगे। पोएट आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीक एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। देखो आगे ना, मुस्लिम एम्पायर, तो ओटोमन जो अंपायर था वो मुस्लिम अंपायर था, ठीक है। अब यहाँ के लोग बोले कि भैया तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे अब अधीन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तुमने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बर्बाद करने का अब ठेका ले रखा है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति, कॉमन से कॉमन इंसान जो था, ग्रीक को अब आजाद कराना चाहता था। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, देखो यहां इनसे क्वेश्चन आएगा बेटा, लॉर्ड बायरन थे, पोएट थे, तो ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड बायरन कब, उनको उनकी मृत्यु कब हुई, 1824 में उनकी मृत्यु कैसे हुई, फीवर की वजह से, पोएट होने के वजह से, पोएट थे, कविताएं रचा, लोगों की मानसिकता को साफ किया, स्पष्ट किया, लोगों को प्रेरित करने का काम किए, गीत गाकर, कविता लिखकर, और तो और फंड भी इकट्ठा किए युद्ध के लिए, ठीक है। और 1824 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये भी मर जाते हैं, तो देखिए इनकी मृत्यु होने के बाद भी लोगों को लगा कि अरे ये तो पोएट थे, फिर भी इसके लिए इतनी लड़ाई इन्होंने लड़ी, है ना। तो और भी लोग क्या हुए कि इस मूवमेंट से जुड़ते चले गए, ठीक है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, देखो आया ना ये जगह, ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये तो डायरेक्ट इतनी सारी बातें लिख दिया कि 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपोल पर समझौता होता है, संधि होती है, और उसी समय से ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया जाता है, सही बात है। लेकिन इसके बीच में, यानी कि 1824 से लेकर बच्चों, ठीक है, 1824 से लेकर 1832 तक बहुत सारी घटनाएं घटी, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे नरसंहार हुए, समझ गए, बहुत सारे नरसंहार हुए, बहुत सारे लोगों को मारा गया, काटा गया, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, बच्चों को भी मारा गया, ठीक है। तो आजादी देखो ऐसे ही नहीं मिलती है। आज हम है ना अपने देश में रहते हैं, 15 अगस्त को है ना रिपब्लिक, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना लेते हैं, ठीक है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये जो आजादी मिली है इसके लिए हमारे जो पूर्वजों ने स्ट्रगल किया है उसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पढ़ लिया, आपने पूरे ग्रीक के इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन को आप समझ गए, उसके स्ट्रगल को समझ गए, ऐसा नहीं है। आपको अभी और आगे के क्लासेस में जाएंगे, अगर आप आर्ट्स का सब्जेक्ट लेंगे आफ्टर 10th, तो आपको और भी इतिहास बड़े लेवल पर पढ़ने को मिलेगा, और भी गहराई से इन चीजों को, घटनाओं को समझने का मौका मिलेगा। तो ये थोड़ी बहुत जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने जो इकट्ठा की थी कि ऑटोमन अंपायर कैसे आया, ठीक है, सल्तनत ऑफ रूम क्या था, बाइजेंटाइन अंपायर क्या था, ईस्टर्न रोम क्या था, वेस्टर्न रोम क्या था, ठीक है, ये तुर्किश लोग कहां से आए, ऑटोमन अंपायर को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये सारी घटनाएं थी। इसी वजह से ग्रीक जो था वो रिवोल्यूशन करता है, क्योंकि फ्रांस में भी रिवोल्यूशन, यूरोप के और जगहों पर रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। तो देखा देखी कहीं ना कहीं इन लोगों को भी लगा कि भैया और जगह हो ही रहा है तो हम भी क्यों ना करें। और सबसे बड़ा देखिए, इनको बहुत जल्दी जो इंडिपेंडेंस मिला इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि यूरोप के और भी जो क्रिश्चियनिटी जो नेशन थे उन्होंने खुलकर इसको सपोर्ट किया बच्चों,
ठीक है, तो इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, जितना बताया गया है उससे और भी आप अधिक पढ़ सकते हैं, सोर्सेज उपलब्ध हैं आपके यूट्यूब पर उपलब्ध है बेटा, गूगल पे उपलब्ध हैं, ठीक है, इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, फिर से मिलेंगे हम लोग एक अगले टॉपिक में, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, तब तक पढ़ते रहे बेटा, मिलेंगे अगली वीडियो में।